नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? फ्रेंड, कल रणजी ट्रॉफी में कर्नाटक वर्सेज बड़ौदा का ग्रुप बी में मुकाबला होना है, तो मैं इसकी एक ड्रीम इलेवन की टीम दूंगा। आप उस टीम को बना के एक अच्छा विन भी कर सकते हैं और काफ़ी इजीली विन भी करेंगे और एक अच्छा अमाउंट विन करेंगे। तो बात करते हैं ड्रीम इलेवन की टीम की। फ्रेंड, इससे पहले मैं आपको ड्रीम इलेवन की टीम दूँ तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बात करते हैं ड्रीम इलेवन की टीम की, तो क्योंकि दोनों ही टीम काफ़ी अच्छी हैं लेकिन दोनों ही टीम में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, वहीं कर्नाटका ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया बड़ोदरा की तरफ से। बड़ोदरा के कंपैरिजन में बड़ोदरा ने अभी 7 में से सिर्फ 2 मैच विन करे, वहीं कर्नाटका ने 3। तो बात करते हैं मुकाबले की, तो विकेट कीपर सिलेक्शन एक सबसे बड़ी चॉइस आती है इसमें। आपके पास 2 ऑप्शन है, मितेश पटेल, बी आर शरत और पिनल शाह। बी आर शरत आपके लिए एक अच्छे रहेंगे, अब तक सबसे अच्छी फॉर्म रही है कर्नाटका में बी आर शरत की। बी आर शरत एज एन विकेट कीपर भी एक अच्छी कर रहे हैं ड्यूटी, और बैट्समैन भी काफ़ी अच्छे हैं और एक्सपीरियंस प्लेयर है, और थर्ड पोजीशन में आएंगे तो आप इनको ले सकते हैं। बात करी जाए इसमें पाँच बैट्समैन मैंने सेलेक्ट करे हैं, तो बैट्समैन में बात करी जाए केदार दावेदार और मनीष पांडे। केदार दावेदार बड़ोदरा की रीढ़ की हड्डी हैं, इन्होंने अब तक काफ़ी अच्छी इनिंग खेली है और एक कैप्टनसी इनिंग खेली है क्योंकि ये कैप्टन है अपनी टीम के और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप इनको जोड़ लें। वही मनीष पांडे काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं और पिछले मैच में लगभग शतक ही मारा है इन्होंने और अपनी टीम को जिताया, तो आप इनको जोड़ लें। ये भी काफ़ी अच्छे आपके रिटर्न देने वाले प्लेयर हैं और कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए आपकी अच्छी चॉइस बनेंगे। वही दीपक हुड्डा बड़ोदरा के लिए काफ़ी अच्छी इनिंग खेलते हैं, पिछले मैंने काफ़ी रन निभाए लेकिन एक अच्छे प्लेयर माने जाते हैं दीपक हुड्डा और आईपीएल में भी खेलते हैं, तो सिलेक्टेड प्लेयर है काफ़ी अच्छा। मैं बता दूं कि कर्नाटक की जो टीम है वो 2 प्लेयर पे बेस्ड है, मनीष पांडे और डेगन निश्चल। डेगन निश्चल ने पिछले मैच में शतक मारा और अपनी कर्नाटक की टीम को जिताया है, तो आप इनको भी लें, काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं और आपके रिटर्न देने में काफ़ी मदद करेंगे। अब आती है बाकी एक पाँचवें मेरे प्लेयर की, वो है पवन देशपांडे। पवन बॉलिंग बैटिंग दोनों करते हैं कर्नाटक तरफ से और विकेट भी निकाल लेते हैं, इसलिए मैंने पवन डिस्पेंसरी को अपनी टीम में ऐड करा। ऑप्शन क्या है, आप चाहें तो यहाँ पर शैलेश शर्मा को भी ऐड कर सकते हैं। ऑलराउंडर सिलेक्शन की बात करी जाए तो 2 ऑलराउंडर लिए हैं जिसमें कुणाल पांड्या कल के मैच में खेलेंगे। ये एक न्यूज़ भी है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, कुणाल पांड्या कल के मैच में खेलेंगे। कुणाल पांड्या क्योंकि बॉलिंग बैटिंग दोनों करवा लेते हैं और रणजी ट्रॉफी में काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है, तो आप इनको जुड़ लें। वहीं श्रेयस कुप्पर ये भी एक अच्छे प्लेयर बन सकते हैं आपके लिए, काफ़ी अब तक अच्छी फॉर्म में रहे, तो इनको मिस ना करें। अगर एक अल्टरनेटिव ढूंढेंगे तो जगजीरा सुचित आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन रहेंगे और सपनेल सिंह, ये दोनों ही आपके लिए एक अच्छे ऑप्शन देंगे। हार्दिक पांड्या को ना लें, कल ये नहीं खेलेंगे। बॉलर्स के सेक्शन की बात करिए तो 3 बॉलर्स जिसमें विनय कुमार नंबर 1 पे आते हैं क्योंकि 90 रन की इनिंग इन्होंने पिछले मैच में खेली है और इन 90 रन की इनिंग के साथ विकेट भी लिए हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छे प्लेयर सकते हैं। वहीं अतीश शेट ने 6 विकेट लिए हैं पिछले मैच में और काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, तो ऐसे बुरे आपको रिटर्न नहीं देंगे, तो काफ़ी अच्छा प्लेयर है। वही रोनित पुरी ने भी 9 विकेट लिए हैं पिछले मैच, जो कि कर्नाटक की तरफ से एक जीतने वाली पारी करी है, तो रोनित पुरी ने 9 विकेट लिए हैं, तो आप इन 3 प्लेयर को मिस ना करें, ये तीनों प्लेयर आपको एक अच्छे रिटर्न देंगे। फ्रेंड, इसके बाद बात आती है कैप्टन वाइस कैप्टन की सिलेक्शन की। इसमें कुछ अच्छे प्लेयर हैं सिलेक्शन के लिए, जैसे के दावेदार, बी शरत, देगी निश्चल, कुणाल पांड्या और श्रेयस कुमार और जो ज़्यादा विनय कुमार और मनीष पांडे। अब आपको इतने साल में से जो सेलेक्ट करने हैं, मेरा पर्सनल रहेगा मनीष पांडे और यहाँ पे कुणाल पांड्या पे रहेगा, हाँ इन दोनों पे रहेगा अगर मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूँ, क्योंकि दोनों ही प्लेयर काफ़ी तकड़े हैं। कुणाल पांड्या तो स्पिनर भी अच्छे हैं और बॉलिंग बैटिंग भी कर लेंगे, तो आपको रिटर्न देने में ज़्यादा हेल्प करेंगे। वहीं मनीष पांडे भी काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, तो आप ले सकते हैं। फ्रेंड्स, बनाइए अपनी ड्रीम इलेवन की टीम, आई होप आप इससे एक अच्छा जीतेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और कमेंट भी करें मेरे वीडियो पे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड आई होप आप इससे एक अच्छा जीतेंगे। बाय बाय फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक।